हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाई इंजीनियर्स एकेडमी। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि आरआरबी जेई के अंदर जो सिलेबस हमें दिया हुआ है टेक्निकल का, जो सीबीटी 2 के अंदर है, उसमें हर सब्जेक्ट का वेटेज अप्रोक्स क्या रहता है एग्ज़ाम के अंदर। तो चलो देखते हैं। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस की सीबीटी 2 को लेकर के, तो आपको भी पता है कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 का जो सिलेबस है वो हुबहू टेक्निकल के अंदर हुबहू वही है जो कि आपका एसएससी जेई के अंदर है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो बच्चों, सब्जेक्ट आपके वही हैं जो बेसिक पांच सब्जेक्ट आपके आते हैं, तो मैं उन सब्जेक्ट्स का एक एनालिसिस आपके लिए लेकर के आया हूं जो कि 2019 की जो आरआरबी जेई की वैकेंसी आई थी उसके अंदर जो टेक्निकल वेटेज आया था क्वेश्चंस पेपर का, जो दो पेपर आपके हुए थे, एग्जाम डेट है 30 अगस्त 2019 की और एक आपका है 1 सितंबर 2019। ठीक है, तो इन दोनों पेपर्स का मैं एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज लाया हूं। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले BEE और नेटवर्क, जिसके अंदर हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है और नेटवर्क आता है। ठीक है, दोनों को कंबाइंडली अगर हम बात करें तो 29 क्वेश्चंस आपके आए थे आउट ऑफ 100 में से, और जो आपका दूसरा पेपर हुआ था उसमें 21 आए थे। यानी आप देख सकते हैं लगभग ये 29% और 21% का वेटेज था इस सब्जेक्ट का। एसएससी जेई में भी इसी तरीके का पैटर्न फॉलो होता है, नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल मशीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि आपके 30 अगस्त वाले में 25 क्वेश्चंस आए थे और 1 सितंबर वाले के अंदर आपके 26 क्वेश्चंस आए थे। मतलब लगभग वेटेज दोनों पेपर में सेम था। तो 25% आप अप्रोक्स इसको मान के चलिए और लगभग जो है इसको आप 25% के आसपास से मान के चलिए। ठीक है, दोनों लगभग 25% आप मान सकते हैं। फिर मैं बात करूं पावर सिस्टम यूटिलाइजेशन और एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग, ठीक है, जो डिप्लोमा के अंदर एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग एक आता भी है, डिप्लोमा के जो पेपर्स होते हैं उनमें जनरली आता है, और चूंकि यहाँ डिप्लोमा एलिजिबल है तो ये यहाँ पर भी ऐड किया गया है। इन तीनों को मिला करके 26 क्वेश्चन आपके 30 अगस्त वाले पेपर में थे और 30 क्वेश्चंस आपके 1 सितंबर वाले में थे। तो काफ़ी वेटेज, मतलब आप ये मान के चलिए कि लगभग 60-70% यही खत्म हो गया है जो आपका पेपर होता है सीबीटी 2 का। 70% के लगभग आपका BEE नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग, इन तीनों के अंदर ही आपका कंप्लीट होता है। फिर आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम लोग डिवाइसेस पढ़ते हैं, दोनों पेपर के अंदर 10-10 क्वेश्चंस आपके आए थे, यानी 30 अगस्त और 1 सितंबर वाले दोनों पेपर में 10-10 क्वेश्चंस आए थे। एसएससी जेई में भी और कम आते हैं थोड़े से, यहाँ थोड़ा ज़्यादा पूछा गया था। मेजरमेंट आपका मात्र 6 क्वेश्चंस थे और दूसरे पेपर के अंदर टोटल आपके 10 क्वेश्चंस थे। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आपका मेजरमेंट है, दोनों को आप लगभग यहाँ पर सेम मान सकते हैं। वैसे इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है मेजरमेंट का, पर पिछली बार जो है थोड़ा कम रहा था, कोई बात नहीं। और मिसलेनियस जो है आपके 4 क्वेश्चन आपके 30 अगस्त वाले में आए थे और 3 क्वेश्चन आपके 1 सितंबर वाले में आए थे। मिसलेनियस का मतलब हो गया बच्चों, जैसे कि एकाध क्वेश्चन आपका कंट्रोल सिस्टम का पूछ लिया, है ना, एकाध क्वेश्चन जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनके बेसिक्स से पूछ लिया, या एकाध छोटा छोटा क्वेश्चन जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइसेज होते हैं उनसे आपका पूछ लिया, तो वो मिसलेनियस के अंदर हमारा आता है। ठीक है, तो ये टोटल आपके जो 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होता है उसका मैंने पूरा एनालिसिस आपको बताया। तो बच्चों, आपको वीडियो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा होगा और इसी हिसाब से आप तैयारी अपनी करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बार सेलेक्ट होने वाले हैं। तो बने रहिए बच्चों निम्बस लर्निंग के साथ, क्योंकि यह है आपके फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।